हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सुब्स नर्सिंग ट्यूटोरियल। आज की वीडियो में हम नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिसमें हम फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन पर क्लिक कर लीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए तो हम क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा गया है, बिफोर टेकिंग टेम्परेचर थर्मामीटर नीड टू क्लीन फ्रॉम। यहाँ पर टेम्परेचर लेने के पहले जब हम थर्मामीटर को क्लीन करते हैं तो हमें उसे किस तरीके से क्लीन करना है। ऑप्शंस यहाँ पर देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है बल्ब से लेके स्टेम तक, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है स्टेम से लेके बल्ब तक, एंड ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है मिडिल टू स्टेम, एंड ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है मिडिल टू बल्ब। पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, बल्ब टू स्टेम। जब भी हम थर्मामीटर को क्लीन कर रहे हैं टेम्परेचर लेने के पहले, तो जो बल्ब वाला साइड रहेगा, ये वाला जो पोर्शन रहता है इसे बल्ब कहा जाता है, तो और ये जो पीछे का बैक पोर्शन रहता है इसे स्टेम कहा जाता है। तो जब भी हम थर्मामीटर को टेम्परेचर लेने के पहले क्लीन कर रहे हैं तो हमें बल्ब से लेके यहाँ से लेके स्टेम तक के इसको क्लीन करना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर देख सकते हैं, पूछा गया है द टाइप ऑफ फीवर इन विच द टेम्परेचर फ्लक्चुएट मोर देन 2 डिग्री सेल्सियस ऑल अबोव नॉर्मल ड्यूरिंग अ 24 आवर पीरियड इज। यहाँ पर कहा गया है कि हमें टाइप ऑफ फीवर बताना है जिसमें 2 डिग्री सेल्सियस जो है नॉर्मल, पहले पेशेंट का टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा, फिर 2 डिग्री सेल्सियस कम या ज़्यादा होते रहेगा 24 आवर के अंदर अंदर। तो यहाँ पर ऑप्शंस देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है इंटरमिटेंट फीवर, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है रेमिटेंट फीवर, ऑप्शन नंबर सी इज़ रिकरेंट फीवर, एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ रिलैप्सिंग फीवर। इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, रेमिटेंट फीवर। रेमिटेंट फीवर ऐसा टाइप का फीवर होता है जिसमें जो पेशेंट का टेम्परेचर है वो 2 डिग्री सेल्सियस कम और ज़्यादा फ्लक्चुएट होते रहेगा। यहाँ पर आप ग्राफ में भी देख सकते हैं इस तरीके से, सपोज़ कि यदि पेशेंट का टेम्परेचर जो है 37 या 38 डिग्री सेल्सियस है तो 2 डिग्री सेल्सियस जो इंक्रीज़ हो जाएगा वापस से नॉर्मल आएगा, देन फिर 2 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज़ होगा। तो इस तरीके से यदि 2 डिग्री सेल्सियस जो है फ्लक्चुएट हो रहा है टेम्परेचर, नॉर्मल वापस आ रहा है, देन फिर 2 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज़ हो रहा है, तो इस टाइप का जो फीवर रहता है उसे रेमिटेंट फीवर कहा जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पर पूछा गया है द कार्डिनल साइन ऑफ द बॉडी इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट, कि किसी एक को छोड़कर ये सभी कार्डिनल साइन हैं बॉडी के, किसी एक को छोड़ के बताना है। ऑप्शन नंबर ए इज़ ब्लड प्रेशर लेवल, ऑप्शन नंबर बी इज़ टेम्परेचर, ऑप्शन नंबर सी इज़ हार्ट बीट, एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, ब्लड ग्लूकोज लेवल। ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है ये कार्डिनल साइन के अंदर नहीं आता है, बाकी यहाँ गया है ब्लड प्रेशर लेवल, टेम्परेचर, हार्ट बीट, ये सभी कार्डिनल साइन या वाइटल साइन के अंदर आ जाते हैं, सिर्फ ब्लड ग्लूकोज लेवल को छोड़ के। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है वो इन्वेंटेड थर्मोमीटर, यहाँ पर पूछा गया है कि थर्मोमीटर को किसने इन्वेंट किया था। ऑप्शन नंबर ए सेल्सियस, ऑप्शन नंबर बी इज़ गैलीलियो गैली, ऑप्शन नंबर सी इज़ लॉर्ड केल्विन, एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ थॉमस जे मैनिंग। इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, गैलियो गैली। गैलीलियो गैली के द्वारा थर्मामीटर को इन्वेंट किया गया था। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है लेटरल कर्वेचर ऑफ द स्पाइन इज कॉल्ड, यहाँ पर पूछा है कि जो स्पाइन है उसका लेटरल कर्वेचर रहे तो उसे क्या कहा जाएगा। ऑप्शंस यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज़ काइफोसिस, ऑप्शन नंबर बी इज़ स्कॉलियोसिस, ऑप्शन नंबर सी इज़ लॉर्डोसिस, एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ पेक्टस एक्सावेटम। पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, स्कॉलियोसिस। यदि जो स्पाइन है उसका लेटरल कर्वेचर हो जाए तो उसे स्कॉलियोसिस कहा जाता है। यहाँ पर आप इमेजेस में देख सकते हैं, यदि इस तरीके से जो स्पाइन है वो लेटरल कर्व कर ले तो उसे स्कॉलियोसिस कहा जाएगा, या स्पाइन है वो ऊपर की तरफ से इस तरीके से फॉरवर्ड बैक रहे तो उसे काइफोसिस कहा जाता है, और लॉर्डोसिस की कंडीशन यदि जो
लोअर बैक पोर्शन में यहाँ पर इस तरीके से कर्व हो स्पाइन का, तो उसे लॉर्डोसिस कहा जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑब्जेक्टिव डेटा इज, यहाँ पर पूछा गया है कि हमें ऑब्जेक्टिव डेटा का एग्जाम्पल बताना है। ऑप्शन नंबर ए इज़ फीलिंग ऑफ वरी, ऑप्शन नंबर बी इज़ ईचिंग, ऑप्शन नंबर सी इज़ डिसकलरेशन ऑफ स्किन एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ नौशिया। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, डिसकलरेशन ऑफ स्किन। ऑब्जेक्टिव डेटा वह डेटा होता है जिसमें हम ऑब्जर्व करते हैं पेशेंट में कि पेशेंट को क्या सिम्टम्स हो रहे हैं। दो टाइप, जब हम असेसमेंट करते हैं तो हमें टू टाइप का डेटा ऑब्जर्व करना रहता है, सब्जेक्टिव डेटा एंड ऑब्जेक्टिव डेटा। तो जो सब्जेक्टिव डेटा रहता है इसमें पेशेंट खुद हमें बताता है कि उसे क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, एंड ऑब्जेक्टिव डेटा में हम ऑब्जर्व करते हैं कि पेशेंट में क्या क्या साइन प्रेजेंट हैं। तो ऑब्जेक्टिव डेटा यहाँ पर पूछा गया था इसलिए उसका एग्जांपल रहेगा डिस्कलरेशन ऑफ स्किन। स्किन में डिस्कलरेशन सपोज साइनोसिस वगैरह हमें दिख रही है तो वो ऑब्जेक्टिव डेटा कहलाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है नर्सिंग केयर दैट इज़ बेस्ड ऑन आइडेंटिफाइंग एंड मीटिंग द नीड्स ऑफ अ पेशेंट इज़ कॉल्ड, यहाँ पर पूछा गया है कि ऐसी नर्सिंग केयर जिसमें हम पेशेंट की नीड को आइडेंटिफाई करते हैं तो उसे क्या कहा जाएगा, कौन से टाइप की नर्सिंग केयर कहलाएगी, क्लाइंट ओरिएंटेड नर्सिंग केयर, गोल ओरिएंटेड, प्रायोरिटाइजेशन एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ टारगेट रियलाइजेशन। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, क्लाइंट ओरिएंटेड। जो है पेशेंट को हम क्लाइंट ओरिएंटेड नर्सिंग केयर प्रोवाइड करते हैं, जब हम पेशेंट्स की नीड को आइडेंटिफाई करके उसे नर्सिंग केयर प्रोवाइड करते हैं तो वो क्लाइंट ओरिएंटेड नर्सिंग केयर कहलाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है इट इज़ अ टूल ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से जो एक है वो नर्सिंग प्रोसेस का टूल है। ऑप्शन नंबर ए इज़ पर्सनल हिस्ट्री, ऑप्शन नंबर बी इज़ प्रेजेंट इलनेस, ऑप्शन नंबर सी इज़ सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ प्लानिंग। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, प्लानिंग। नर्सिंग प्रोसेस के अंदर जो है यहाँ पर प्लानिंग इसके अंदर आ जाएगा। नर्सिंग प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड रहती हैं, असेसमेंट आ जाता है, नर्सिंग डायग्नोसिस आ जाता है, उसके बाद प्लानिंग आ जाएगा, इम्प्लीमेंटेशन आ जाएगा, इवैल्यूएशन आ जाएगा, ये सभी क्या हैं, नर्सिंग प्रोसेस के टूल हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में जो पूछा गया है डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू इज़ नोन एज, यहाँ पर पूछा गया है कि यदि टिश्यू में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो रही है तो उसे हम क्या कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज़ हाइपोक्सिया, ऑप्शन नंबर बी इज़ हाइपोक्सेमिया, ऑप्शन नंबर सी इज़ साइनोसिस एंड ऑप्शन नंबर डी इज एपनिया। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, हाइपोक्सिया। यदि टिश्यूज में ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज हो रहा है तो उसे हाइपोक्सिया कहा जाता है, और यदि ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कम होता है तो उसे हाइपोक्सेमिया कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन ब्लड ट्रांसफ्यूशन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड, यहाँ पर पूछा गया है ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें हमें ब्लड ट्रांसफ्यूशन को कॉन्ट्राइंडिकेट करना है। ऑप्शन नंबर ए इज ब्लीडिंग हेमोरॉइड्स, यदि पेशेंट को हेमोरॉइड ब्लीडिंग हो रही है। ऑप्शन नंबर बी इज हेमरेज इज कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर एंड ऑप्शन नंबर डी इज हीमोफीलिया। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, कॉन्जेस्टिव कार्डियक फेलियर। यदि पेशेंट को जो है हार्ट फेलियर हो रहा है तो उस कंडीशन में हमें ब्लड ट्रांसफ्यूशन को कॉन्ट्राइंडिकेट करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द नॉर्मल इंट्राऑक्यूलर प्रेशर इज़, यहाँ पर इंट्राऑक्यूलर प्रेशर पूछा गया है। यहाँ पर ऑप्शंस देख सकते हैं आप, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 12 to 22 mm ऑफ Hg, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 20 to 35 mm ऑफ Hg, ऑप्शन नंबर सी इज 16 to 25 mm ऑफ Hg एंड ऑप्शन नंबर डी इज 19 to 38 mm ऑफ Hg। तो
यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, 12 to 22 mm ऑफ HG नॉर्मल इंट्राऑक्युलर प्रेशर रहता है। फिर उसके क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट शुड बी द टेम्परेचर ऑफ वाटर यूज फॉर कोल्ड स्पंजिंग। यहाँ पर पूछा गया है यदि हम पेशेंट को कोल्ड स्पंजिंग दे रहे हैं तो जो वाटर है उसका टेम्परेचर कितना रखना है हमें। ऑप्शन नंबर ए इज 98 डिग्री फेरनहाइट, ऑप्शन नंबर बी इज 105 डिग्री फेरनहाइट, ऑप्शन नंबर सी इज 70 डिग्री फेरनहाइट एंड ऑप्शन नंबर डी इज 0 डिग्री फेरनहाइट। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 70 डिग्री फेरनहाइट। जब भी हम पेशेंट को कोल्ड स्पंजिंग दे रहे हैं तो जो वाटर का टेम्परेचर है अल्टीमेटली हमें 70 डिग्री फेरनहाइट तक रखना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है नॉर्मल सीरम पोटेशियम लेवल इज, यहाँ पर पूछा गया है कि नॉर्मल सीरम पोटेशियम लेवल कितना रहना चाहिए। ऑप्शंस देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज 2.5 to 3.5 mEq/L, ऑप्शन नंबर बी इज 35 to 45 mEq/L, ऑप्शन नंबर सी इज 3.5 to 5 mEq/L एंड ऑप्शन नंबर डी इज 6 to 8 mEq/L। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 3.5 to 5 mEq/L नॉर्मल पोटेशियम लेवल रहना चाहिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है डिहाइड्रेशन इज कॉज्ड इन द ह्यूमन ड्यू टू, यहाँ पर पूछा गया है डिहाइड्रेशन जो है वो किस कारण से होता है बॉडी में। ऑप्शंस देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज लॉस ऑफ वाटर, ऑप्शन नंबर बी इज लॉस ऑफ सॉल्ट, ऑप्शन नंबर सी इज लेस ऑफ विटामिन्स एंड ऑप्शन नंबर डी इज लॉस ऑफ मिनरल्स। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, लॉस ऑफ वाटर। वाटर के लॉस होने की वजह से डिहाइड्रेशन की कंडीशन अराइज होती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच अमंग द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट हैज़ टू बी रिप्लेस्ड इन अ क्लाइंट विद वॉमिटिंग एंड डायरिया। यहाँ पर पूछा गया है यदि पेशेंट को वॉमिटिंग एंड डायरिया की कंडीशन हो रही है तो जो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है उसे रिप्लेस कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज सोडियम, ऑप्शन नंबर बी इज पोटेशियम, ऑप्शन नंबर सी इज कैल्शियम एंड ऑप्शन नंबर डी इज मैग्नीशियम। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, पोटेशियम। पोटेशियम को हम रिप्लेस करते हैं जब भी पेशेंट को वॉमिटिंग एंड डायरिया की कंडीशन होती है उस कंडीशन में। इस क्वेश्चन में पूछा गया है गोनियोमीटर इज़ यूज्ड टू असेस, यहाँ पर पूछा गया है गोनियोमीटर किस चीज़ को असेस करने के लिए यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ ऑडिटरी फैकल्टी, ऑप्शन नंबर बी इज़ मसल स्ट्रेंथ, ऑप्शन नंबर सी इज़ रेंज ऑफ मोशन ऑफ जॉइंट एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ विजुअल एक्विटी। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, रेंज ऑफ मोशन ऑफ जॉइंट। गोनियोमीटर जो है वो जॉइंट के रेंज ऑफ मोशन को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके का जो स्केल है इसे यूज़ किया जाता है, इसे गोनियोमीटर कहा जाता है और इसकी हेल्प से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि जॉइंट में किसी प्रकार का यदि इम्पेयरमेंट हो रहा है, जॉइंट में कोई इम्पेयरमेंट को डिटेक्ट करने के लिए इस स्केल को यूज़ किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है अ सडन रेडनेस ऑफ द स्किन इज टर्म्ड एज, यहाँ पर पूछा गया है सडनली यदि रेडनेस हो जाए स्किन में तो उसे हम क्या कहेंगे। ऑप्शंस देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज फ्लश, ऑप्शन नंबर बी इज जॉइंडिस, ऑप्शन नंबर सी इज साइनोसिस एंड ऑप्शन नंबर डी इज पेलर। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, फ्लश। फ्लश कहा जाता है, फ्लशिंग या एरिथमा कहा जाता है। एरिथमा भी हम कह सकते हैं यदि स्किन में जो है रेडनेस के सिम्टम्स हमें देखने को मिल रहे हैं तो उसे फ्लशिंग या फिर एरिथमा कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द अपेक्स बीट इज फेल्ट एट विच इंटरकोस्टल स्पेस, यहाँ पर पूछा गया है कि जब हम हार्ट बीट चेक करते हैं अपेक्स वाले रीजन से तो कौन से इंटरकोस्टल स्पेस से हमें हार्ट बीट सुनाई देती है। ऑप्शन नंबर ए इज थर्ड, ऑप्शन नंबर बी इज फोर्थ, ऑप्शन नंबर सी इज फिफ्थ एंड ऑप्शन नंबर डी इज सिक्स्थ। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर फिफ्थ, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस से जो है हमें हार्ट बीट सुनाई देती है। जो दो रिब्स के बीच का जो स्पेस रहता है उसे इंटरकोस्टल स्पेस कहा जाता है और जो फिफ्थ नंबर का इंटरकोस्टल स्पेस रहेगा वहाँ पर हमें हार्ट बीट सुनाई देती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है
येलो कलर कोड इज़ यूज फॉर विच टाइप ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट, यहाँ पर पूछा गया है येलो कलर कोड जो है डस्टबिन का वो कौन से टाइप के हॉस्पिटल वेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ बॉडी पार्ट, ऑप्शन नंबर बी इज़ ग्लासवेयर, ऑप्शन नंबर सी इज़ शार्प्स मटेरियल एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ प्लास्टिक। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए बॉडी पार्ट। येलो कलर कोड जो है वो बॉडी पार्ट्स या ऑर्गन्स को जो है डिस्कार्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है बैक फ्लो ऑफ कंटेंट फ्रॉम स्टमक टू माउथ इज कॉल्ड एज, यहाँ पर पूछा गया है कि जो भी स्टमक का कंटेंट है वो बैक फ्लो हो रहा है माउथ में तो उसे क्या कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ वॉमिटिंग, ऑप्शन नंबर बी इज़ नौशिया, ऑप्शन नंबर सी इज़ रीगर्जिटेशन एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ रिफ्लेक्स। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हमारे चैनल पर और वीडियोज़ देखने को मिलते रहेंगे। थैंक यू।